हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में मैं बी.के. सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्रे, परागकण की संरचना और अंकुरण। स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, परागकीय कण की संरचना और इसका अंकुरण। सबसे पहले हम देखते हैं परागकण की संरचना। यह है परागकण की संरचना। सबसे बाहर की तरफ का आवरण होता है एग्जाइम, इसे बायचोर कहते हैं, या आर्नामेंटेड होता है। इसको थिक आर्नामेंटेड आउटर लेयर इज कॉल्ड एग्जाइम। और ये अंदर का लेयर होता है थिन इंटैक्ट, ये भाग इसका कहलाता है जर्म पोर। ये है एक न्यूक्लियस, बड़ा न्यूक्लियस, इसको कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। और एक यहां पर ये छोटा सा है, इसको कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, नलिका के अंदर। और इसके अंतर्गत ये भरा हुआ है साइटोप्लाज्म। ये है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, परागकण की संरचना। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि पॉलन ग्रेन जब माइक्रोस्पोरेंजिया का डेंसेंस होता है, माइक्रोस्पोर फ्री हो जाते हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ पॉलिनेशन लाइक दैट एयर पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, किसी भी मेथड से ये परागकण फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टाइल के ऊपर की तरफ स्टिग्मा पर चले जाते हैं। स्टिग्मा पर ये म्यूसिलेजिनस शर्करा युक्त पदार्थ को अवशोषित करते हैं, अवशोषित करके टर्जिड हो जाते हैं। टर्जिड होने के पश्चात क्या होता है, जर्म पोर के द्वारा इसका इंटाइन एक बाहर की तरफ ट्यूब के रूप में बाहर निकलता है, संरचना इस प्रकार हो जाती है। दो परिवर्तन एक साथ होते हैं, एक तो यह इंटाइन एक बाहर की तरफ ट्यूब के रूप में नीचे आती है, इसको कहते हैं पॉलन ट्यूब। पराग नलिका कहते हैं। और दूसरा परिवर्तन होता है जो इसका जनरेटिव न्यूक्लियस है, ये माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा यह दो केंद्रकों में विभाजित होता है, यह दो केंद्रकों में हो जाता है विभाजित, डिवीजन ऑफ जनरेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है, विभाजन हो जाता है। अब धीरे धीरे ये म्यूसिलेजी
जीवस पदार्थ का अवशोषण करते जाते हैं, रसायन अंतरिक्ष की क्रिया को प्रदर्शित करते हैं, ये पॉलिन ट्यूब डेवलप करता जाता है, बढ़ता जाता है, संरचना इस प्रकार हो जाती है। अब यहां पर देखते हैं कि ये जेनेटिव न्यूक्लियस, यहां पर ये ट्यूब न्यूक्लियस भी होता है, तो ये ट्यूब न्यूक्लियस इसके अंदर सबसे नीचे की तरफ आ जाता है, ये ट्यूब न्यूक्लियस नलिका के अंदर, और जो दो विभाजित हो जाते हैं जेनेटिव न्यूक्लियस दो भागों में, ये विभाजित होकर के बना देते हैं यहां पर दो मेल गैमेट, मेल गैमेट दो नर युग्मक बना देते हैं, इस प्रकार की संरचना हो जाती है। जब ये और ज्यादा डेवलप होते हैं किस प्रकार की संरचना बन जाती है, अब यहां पर ये ट्यूब न्यूक्लियस नीचे की तरफ आ जाता है, ये ट्यूब न्यूक्लियस होता है, इसके पीछे की तरफ ये दोनों मेल गैमेट होते हैं, ये मेल गैमेट ये सबसे बाहर का आवरण एग्जाइन होता है और अंदर का आवरण इंटाइन होता है, ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म ये हो जाता है क्रमशः ए बी और सी, ये हो जाते हैं डिफरेंट जर्मिनेटिंग स्टेजेस ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन डिफरेंट जर्मिनेटिंग स्टेजेज ऑफ पॉलन ग्रेन, परागकण का अंकुरण, परागकण का अंकुरण कहां होता है, जब यह परागकण परागण की क्रिया के पश्चात वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, वर्तिकाग्र पर म्यूसिलेजिनस शर्करायुक्त पदार्थ को अवशोषित